फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। सालबत्ती वगैरह मैं दे दी हूँ, देख सकते हैं। और कान्हा जी को, जैसे कि एक मिनट में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो कहा जाता है कि कान्हा जी को जन्म से पहले खीरे के अंदर रखा जाता है, तो इस तरह से मैं रखी हूँ। और जन वगैरह का अगर मैं वीडियो बना पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। वाली कढ़ाई में मखाने बना रही हूँ और इसमें बनाऊँगी मखाने नहीं, इसमें बना रही हूँ कलाकंद और इसमें बनाऊँगी मखाने की खीर। और ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखी हूँ, सभी को मैं घी में भूनूँगी अभी, और इस मखाने को भी भूनूँगी, फिर मखाने की खीर बनाऊँगी। तो ये दूध थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, फिर इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। इसमें मैं चीनी ऐड कर चुकी हूँ और जो हरी इलायची होती है उसके दाने भी ऐड कर दी हूँ मैं। फ्लेम को करेंगे लो और इसे हम पकाएंगे। काफ़ी सूख चुकी है तो ये 250 ग्राम पनीर है वो इसमें ऐड करूँगी मैं अभी। तो इसको हाथों से तोड़ करके मैं ऐड करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो पनीर है उसे तोड़ते जाएंगे और इसे अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। और यहाँ घी मैं लगाई हूँ इस प्लेट में, इसमें मैं सेट कर दूँगी। क्या आप देख सकते हैं कि मक्खन बन चुकी है, मैं घर पे ही बनाई थी। यहाँ पे कलाकंद देख सकते हैं कि थोड़ी सी लगी गई है बट जली नहीं है, और कलाकंद बन करके रेडी है। तो इसे हम प्लेट में सेट करेंगे। तो ड्राई हो चुकी है लगभग ये, चलो गैस का फ्लेम मैं कर दी एकदम लो। अब इसे मैं प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ फटाफट। यहाँ मैं अच्छे से सेट कर दी हूँ कलाकंद को। अब इसे मैं साइड में रखती हूँ और सेट होने देती हूँ अच्छे से। मखाने आप अच्छे से भुन चुके हैं, थोड़ी सी और भुनूंगी मैं इसे। तो यहाँ पे मखाने भुन चुके हैं, अब दूध में मैं ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और चीनी इसमें ऐड करूंगी। चीनी, खांड, गुड़ जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ी देर और पकाऊंगी इसे और हमारी मखाने की खीर बन करके रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं गोंद को फ्राई कर रही हूँ। आप फ्राई करके इसे ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं या ग्लास के बैक साइड से भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, बट मैं इसी तरह से डालूंगी क्योंकि इसके चंक्स बहुत क्रंची और अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखने हैं इसे भूनने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम में। और ये फूल के बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने थे पहले। भून चुके हैं अच्छे से और मखाने की खीर बन गई। इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दी हूँ। यहाँ पे मैं भून गई हूँ धनिया, लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसे भूनेंगे। खीर बन चुकी है। इसी धनिया में पंजीरी को हम मिक्स कर देंगे, मतलब मेवे को मिक्स कर देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स जो घी में भुनी हुई थी इसमें मिक्स कर दी और इसे प्लेट में निकालूंगी मैं। और ठंडा होने के चीनी, खांड कुछ भी मिक्स करते हैं इसमें आप। यहाँ पे और धनिया ऐड की है क्योंकि हस्बैंड मुझे सारे ही बना दी जो 100 ग्राम का पैकेट था। जरा मिक्सर में नहीं ठीक है क्योंकि इसमें लहसुन वगैरह हम लोग पीसते हैं ना, इस वजह से। अब इसे हम 3-4 मिनट भून लेते हैं लो फ्लेम पे। कुछ चलाई से ही हो रहा है। यहाँ पे जो मैं मावा पाक बनाई थी वो पहले क्रिस्टलाइज हो गई चीनी, तो इस तरह से ये दाने दाने से बन गए थे। ये प्रॉपर बर्फी की तरह सेट नहीं की थी मैं, काटी नहीं थी, इसी तरह से ये
मैं बनाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी देर पहले ही पैन से निकाल करके और इस ट्रे में सेट कर देनी चाहिए थी। तो कोई नहीं, इस तरह से भी चढ़ती है भगवान को और ये अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मेरे सारे प्रसाद बन चुके हैं। ये मावा पाक, ये धनिया की पंजीरी जो कि मेन प्रसाद होता है, माखन मिश्री भी मैं बनाई थी। माखन बनाई थी और मिश्री तो ऊपर से मैं उसमें ऐड कर दी थी। और ये है मखाने की खीर जिसमें कि मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी मैं ऐड की थी। और ये है कलाकंद। यहाँ पे ये मक्खन बनाई थी जो कि घी से बनाई थी मैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खीरे की जो डंटी वाली साइड होती है उसे हम सिक्के से काटते हैं, उस तरह से जन्म कराया जाता है कान्हा जी का। कोई कोई पंपकिन में भी जन्म कराते हैं कान्हा जी का, जो कि सीताफल होती है उसमें, लेकिन उसे काटने के लिए जेंट्स को ही काटना पड़ता है। तो खीरे को इस तरह से कोई लेडीज भी कट कर सकती है। यहाँ पे मैं कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, फिर उनके जो वस्त्र हैं मैं उन्हें वो पहनाऊँगी और हमारे कान्हा जी का इस तरह से श्रृंगार हो जाएगा। फिर हम लोग आरती करेंगे, उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर मैं यहाँ पे जल से स्नान कराई थी और जमुना जी का जल मैं इस बार नहीं लाई, मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं तो जमुना जी का जल से ही स्नान कराते हैं कान्हा जी को आज के दिन। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को पोशाक पहना दी हूँ, उनको मैं रेडी भी कर दी हूँ। अब करेंगे हम लोग आगे आरती। यहाँ पे जो भी मैं भोग प्रसाद बनाई थी, फल वगैरह को चढ़ाऊंगी भगवान को और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आरती। और सभी फल प्रसाद में हम तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, वो हम जरूर चढ़ाते हैं कृष्ण जी की पूजा में, विष्णु जी की पूजा में। तो इस तरह से हम सभी में तुलसी के पत्ते डाल देंगे। यहाँ पे सारे प्रसाद में चढ़ा दी हूँ। अब यहाँ पे पंचारती भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो फटाफट से हम आरती करेंगे। और ये थी कलाकंद जो मैं कट करके चढ़ाई थी भगवान को। प्रसाद कुछ मैं इस तरह से साइड में रखी हूँ और कुछ तो मैं इस तरह से अलग अलग प्लेट पे करके चढ़ा दी हूँ भगवान को। यहाँ हमारी आरती हो चुकी है और सब जगह मैं आरती दिखा दूंगी घर में। और उसके बाद फिर हम लोग आरती लेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि इस समय तक आई थिंक 12:30-12:40 हो चुका था पूजा वगैरह करते हुए। तो सभी कोई जगे हुए थे इस टाइम तक, तीनों हम लोग साथ में ही पूजा किए थे। तो पूजा वगैरह यहाँ पर हमारी हो चुकी है, अब हम लोग प्रसाद खाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी जन्माष्टमी अगेन।